उत्तराखंड में धामी राज। उत्तराखंड में करीब 24 घंटे से चल रही सियासी खींचतान पर विराम लग गया है। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, यानी उत्तराखंड की कमान अब तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी के हाथों में चली गई है। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम के रूप में सत्ता संभालने जा रहे हैं। उत्तराखंड में नए सीएम का ऐलान। पुष्कर सिंह धामी को सूबे की कमान। राज्य के 11वें सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। कल शाम 5 बजे शपथ लेंगे धामी। पहाड़ पर ढोल नगाड़ों का ये शोर तस्दीक करता है कि उत्तराखंड में सीएम की कुर्सी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे, जिन्हें शनिवार को विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद रविवार शाम 5 बजे का वक्त शपथ ग्रहण के लिए तय किया गया। यही वजह है कि अब पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ पार्टी आला कमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं बल्कि राज्य के लिए पूरे समर्पित भाव से काम करने का दावा भी कर रहे हैं। ये बताइए, बहुत कम समय नहीं मिला आपको? ये देखिए, ऐसा है, समय कम नहीं होता है। काम करने के लिए कितना भी कम समय क्यों ना हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से वो काम पूरा होता है। और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का या जनता का, कि एक सैनिक के पुत्र को, एक सिपाही के बेटे को उन्होंने आज प्रदेश के मुखिया के रूप में, मुख्य सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। उत्तराखंड के सियासी अखाड़े में पुष्कर सिंह धामी का क्या कद रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। 45 साल के पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा सीएम हैं। धामी खटीमा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2012 में पहली बार पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से विधायक चुना गया, जबकि 2017 में लगातार दूसरी बार उन्होंने खटीमा सीट से जीत दर्ज की। पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। धामी को उत्तराखंड के सीएम भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। पुष्कर सिंह धामी के परिवार का दावा है कि जिस तरह से पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर वो खरा उतरेंगे। बहुत ही सामान्य परिवार में वो उन्होंने जन्म लिया है और सारी समस्याओं को उन्होंने बहुत नज़दीकियों से देखा है, अपनी क्षेत्र की जनता की समस्याओं को। तो जो है, जो भी कार्य करेंगे बहुत बखूबी, मैं समझती हूँ कि वो निभाएंगे। दरअसल उत्तराखंड में महज 4 महीने के भीतर ये सियासी उथल पुथल क्यों हुई, इसे भी समझना जरूरी है। सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की कहानी सियासी दांव पेंच में ऐसा उलझी कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा करने से पहले उनकी सीएम पद से विदाई हो गई। इसी साल उत्तराखंड में सीएम पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत ने राज्य की कमान संभाली, लेकिन वो संवैधानिक संकट में फंस गए। दरअसल तीरथ सिंह रावत मौजूदा समय में विधायक नहीं है, उन्हें शपथ लेने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा का निर्वाचित सदस्य बनना जरूरी था, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151 ए के तहत राज्य में उसी स्थिति में उपचुनाव नहीं हो सकता जब चुनाव के केवल 1 साल बाकी हो। ऐसे में तीरथ को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। यही वजह थी कि तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक के तौर पर उत्तराखंड भेजा गया, जिनके सामने सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चुनाव अधिकारी के नाते मैंने सब लोगों से पूछा, इस नाम के अलग और कोई प्रस्ताव है क्या? कोई प्रस्ताव नहीं था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल उत्तराखंड राज्य में विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री पुष्कर धामी जी को नेता घोषित किया गया है। और अब पुष्कर सिंह धामी को बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी को ट्वीट के जरिए बधाई दी है। श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है।
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हार्दिक बधाई देता हूं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में आपके सफल कार्यकाल के लिए श्री रामलला से प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने गठन के बाद से अब तक 10 सीएम देख लिए हैं और अब पुष्कर सिंह धामी 11वें सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं।